Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Wapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर नंबर 3 के अबाउट आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि क्या क्या पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन हुआ जिससे उसका लिंक बनी इस चैप्टर पॉइंट से। तो पार्ट 3 में हमने जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो बात करें, वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स था, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन एंड लिमिटेशन के अबाउट बताया। देन आफ्टर अब आज का टॉपिक हमारा होगा एंथैल्पी, एंथैल्पी इन केमिकल नाउ रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नाउ दैट इज बेस्ड ऑन चेंज इन एंथैल्पी, मे बी वो एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंड देन आफ्टर एंथैल्पी एंड मोल ऑफ गैस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंथैल्पी चेंज का रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी है क्या? द इंटरनल एनर्जी द इंटरनल एनर्जी डिटेक्ट द चेंज इन हीट एनर्जी detect the change in heat energy of a system at constant volume, means delta U is equal to QV, where delta U that is the change in internal energy and QV the is the amount of heat energy that lost by system or gained by system at constant volume. So internal energy एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जो हमें डिटेक्ट करता है किसी भी सिस्टम के अंदर की हीट एनर्जी जो चेंज हो रही है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बट इट कैन नॉट डिपिक्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डिपिक्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बट हीट एनर्जी अगर जो किसी सिस्टम की चेंज हो रही है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो उसको मेजर नहीं कर सकता इंटरनल एनर्जी, मीन्स इंटरनल एनर्जी ऐसे रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है कि उसकी हीट एनर्जी फाइंड आउट कर सके इसके हेल्प से, जो रिएक्शन ओपन वेसल में हो रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। मीन्स ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि रिएक्शन दैट अकर इन ओपन वेसल, तो रिएक्शन जो ओपन वेसल में हो रहे हैं तो क्लियर है कि उनके लिए डेल्टा पी क्या होता है, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है। ऐसे सिस्टम में जो हीट एनर्जी चेंज होती है दैट्स क्लियर है, उसका कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन हम बाय चेंज इन हीट एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन दैट मेजर द चेंज इन हीट एनर्जी दैट अकर्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि एंथैल्पी एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि कोई सिस्टम की हीट एनर्जी चेंज होती है जब आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, तो उसे मेजर करता है। क्लियर? सो एंथैल्पी एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मेजर करने वाला स्टेट फंक्शन है, वो रिएक्शन जो ओपन वेसल में होते हैं। सो ये वर्ड एंथैल्पी होते हैं। एंथैल्पी
denoted by H and it is a स्टेट फंक्शन और एक स्टेट फंक्शन है राइट तो एक स्टेट फंक्शन है और ये पॉइंट्स हो गया सो इंथैल्पी का पॉइंट्स क्या होगा किस टर्म में होगी एक रिएक्शन के लिए इफ अ रिएक्शन अकर्स इन अ ओपन वेसल अकर्स इन अ ओपन वेसल देन Change in heat energy is called enthalpy change. तो इसे हम enthalpy change बोलते हैं अब enthalpy change के लिए formula. Suppose that वो reaction R है जो by product बदल रहा है If enthalpy, so then change in enthalpy is equal to HP minus HR. Means, ऐसी reaction में change in enthalpy, delta H is equal to enthalpy of product minus enthalpy of reacted means यहां से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि रिएक्शन कैसा है ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक और enthalpy चेंज किसी रिएक्शन की कैसे डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होगा सो इफ चेंज इन enthalpy डेल्टा एच इज पॉजिटिव आरआई द हम राइट करेंगे कि इफ enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant then delta H is positive that indicate reaction is what kind endothermic मीन सिस्टम हीट एनर्जी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट सो देन रिएक्शन कैसा होगा एंडोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी क्या होगा सप्लाई करनी पड़ेगी तो लाइक इसको बाय डायग्राम भी हम शुरू कर देते हैं ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेशन और ये हो गया डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ये हो गया एंथैल्पी और ये रिएक्शन अब यहां से जाएंगे तो इस पॉइंट को अगर देखें हम तो अगर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाना तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी लेस होगी एंथैल्पी मतलब रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के बनाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत है जो रिएक्टेंट के पास नहीं है तो ये एंथैल्पी का पॉइंट्स हो गया हम यहाँ दिखा रहे हैं बाय दिस वे एंड दिस वन ये डेल्टा पी हो गया मतलब प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया तो दैट इज द डिफरेंस इन एंथैल्पी है तो मीन्स ये एंथैल्पी जो है इतनी लेस है रिएक्टेंट की तो हम बाहर से इसको क्या करेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे और तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा जब तक एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बिकम इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इन सच केस दिस रिएक्शन इज कंसिडर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यही टर्म्स हम यूटिलाइज करेंगे अगर इस पॉइंट को देखें कि इफ डेल्टा एच आइदर एच पी इज लेस देन एच आर देन डेल्टा एच इज नेगेटिव मीन्स अगर
इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन रिएक्टेंट, तो दैट्स क्लियर है कि रिएक्शन देन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ये डिटेक्ट करता है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके लिए जब यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे रिएक्शन, तो देन ये हो गया इंथाल्पी डेल्टा एच और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। और इसके लिए हम टर्म्स दिखाएंगे आप लाइक दिस काइंड, इधर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मीन सी एच पी है और ये एच आर है, इसको भी हम राइट कर सकते हैं कैसा, एच आर एंड एच पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन प्रोडक्ट, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ द एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी को डिफाइन किया एंड एंथैल्पी को हमने रिएक्शन पर अप्लाई किया और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एंथैल्पी कैसा हो सकता है रिएक्शन का, मतलब वो प्लस में या माइनस में, और यही डिपेंड करेगा कि रिएक्शन इज व्हाट काइंड, लाइक अकर्स स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सारी चीज़ें पॉइंट बता दें आप। एंथैल्पी एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जो किसी भी सिस्टम के अंदर की हीट एनर्जी को मेजर करता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बट यहीं पर इसका ऑरिजिन का रीजन क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक ऐसा स्टेट फंक्शन जो किसी भी सिस्टम के अंदर की हीट एनर्जी चेंज करता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मतलब क्लोज वेसल पर अप्लाई है और ये ओपन वेसल पर होगा तो प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। ऐसे केस में चेंज इन हीट एनर्जी हम फाइंड करते बाई व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। सो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट। हम बात करें तो एंथैल्पी का, तो एंथैल्पी क्या है, इज ए स्टेट फंक्शन है जो किसी भी सिस्टम के अंदर के हीट एनर्जी को मेजर करता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको कि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। एंथैल्पी कैसा है, एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, क्लियर, दैट इज डिपेंडेंट द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज आएगा और प्लस एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शंस। सो एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम। एंथैल्पी चेंज एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सो एंथैल्पी चेंज एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहां पर हमें इनकी रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो एंथैल्पी चेंज है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव थर्मो डायनामिक्स प्रॉपर्टीज। एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दैट डिपेंडेड द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, मीन्स मैटर की अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इस प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएंगी। एंड एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम विल बिकम इक्वल टू इक्वल टू सम ऑफ टोटल एंथैल्पी, टोटल इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर
energy are product of pressure and volume. Total energy and energy of the product of pressure and volume means H is equal to U plus PV. That is the formula, mathematical formula of the enthalpy change. Sorry, enthalpy. So what is it? Where U is the internal energy, P is the pressure, V is the volume. And then after बात करेंगे, if a reaction occurs in open vessel, then change in heat energy is called enthalpy change. So if the enthalpy H now change and become delta H, then U change in delta U and delta PV. Now here enthalpy change may be occur at constant pressure or constant volume. So इसको इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वन टाइम पी डेल्टा वी सेकेंड टाइम वी डेल्टा पी. वे नाउ एंथैल्पी चेंज में बी अकर्स, ये डेफिनेट नहीं है आप. तो वन टाइम हमने शो कर दिया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाय चेंज इन प्रेशर, सेकेंड टाइम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाय चेंज इन व्हाट इज प्रेशर. तो कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाय चेंज इन प्रेशर. सो इफ enthalpy change occurs at constant pressure delta, so then delta P is equal to 0 and delta H is equal to delta U plus P delta V. That is the first equation. But if enthalpy change occurs at constant volume, constant pressure पर है तो this one constant volume है तो then delta H is equal to delta U plus P delta V, sorry V delta P. There are two kind of change. So स्टूडेंट हम पॉइंट को उठाएंगे एंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम फाइंड करेंगे और यहां रिलेशन दिखाएंगे कि कैसे एंथैल्पी चेंज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है. So enthalpy change at constant pressure means delta H is equal to delta U plus P delta V. Equation number one. Next point हम बात करेंगे इस equation के लिए. From first law of thermo dynamics. Now delta U is equal to Q plus W if work is PV type, then del is equal to P delta V, the work done by or on the system at constant pressure. So if work done by the system, so if work is PV type, then work done by the system W is equal to minus P delta V.
एंड देन इस वैल्यू को पुट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी, राइट करेंगे पी डेल्टा वी वाई, क्योंकि जो सिस्टम हीट एनर्जी लूज या गेन कर रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कर रहा है, और डेल्टा की वैल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम दैट अकर्स वर्क ऑब्टेन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम. सो देन हम इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन हम बात करेंगे वन. इक्वेशन वन से बात करें हम, तो इस पॉइंट पर अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बी माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, इन इक्वेशन वन. सो देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू राइट माइनस पी डेल्टा वी, ये हमारा इक्वेशन है. एंड देन हम राइट करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी कैंसल एंड डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी मीन्स ये टर्म्स हमें क्या बता रहा है. नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी इंडिकेट सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी हमें दैट इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी सिस्टम जो हीट एनर्जी लूज या गेन करता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी मीन्स द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम और गेन बाय सिस्टम विल बिकम इक्वल टू लॉस बाय द हीट एनर्जी लॉस बाय सिस्टम और गेन बाय सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सिस्टम विल बिकम इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, दैट्स ऑल. सो यहां पर पॉइंट है एंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये रिलेशन हमारा मिल गया. एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एंथैल्पी चेंज मीन्स हमारा फाइनल फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी हमने प्रूव किया यहाँ पर. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एंथैल्पी चेंज एंड मोल ऑफ आइडियल गैस दैट रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर एंथैल्पी चेंज, सो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, एक हमने यहाँ पर वेसल रखा है, क्लियर. इस वेसल की कंडीशन क्या है, अगर हमने इस वेसल में इनिशियली वी वन लीटर गैस रखा है जिसके एन वन मोल है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मैं इसमें और क्या ऐड कर दूं, N2 मोल गैस ऐड कर दूं, N1 तो था ही, तो वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो गया. तो इफ इन अ V लीटर कंटेनर, इफ इन अ V लीटर कंटेनर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T फिल N1 मोल ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम V1, इफ मोल ऑफ गैस टेकन N2 देन वॉल्यूम चेंज बिकम V2. सो देन फ्रॉम equation of enthalpy change
डेल्टा एच, सॉरी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर गैस वन, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी फॉर गैस टू, पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी वेयर वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, सो पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल टू एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी, और आइदर पी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन आर टी. So where delta P is equal to, sorry, delta V is equal to V2 minus V1 and delta N is equal to N2 minus N1. So then P delta V is equal to delta N G RT. That's all. So P delta V is equal to delta N G RT. Ye points ho gaya. So from equation of एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. अब इस इक्वेशन से पी डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. इफ डेल्टा एन जी इज द एन पी माइनस एन आर, मीन्स NP means mole of product, but this concept only applicable on gaseous reactant molecules. NR, that is the mole of reactant only for gas. If the NP is equal to NR, then delta NG is zero, so delta H is equal to delta U. That's all. So student, ये हो गया हमारा enthalpy change का reaction और points की बात करें तो अभी हमने इस lecture में जिस point पर हमारा discussion चला वो enthalpy, enthalpy change, enthalpy of the reaction जहाँ पर endothermic, exothermic सारी process हमने study की, right? इन प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे कैसे इंथैल्पी चेंज हो रही है और किसी रिएक्शन की इंथैल्पी हम फाइंड आउट करके हम क्या निकाल सकते हैं कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक. हमने आपको ये बताया यहाँ पर कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आता है चेंज इन इंथैल्पी या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो समझ लेना कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और माइनस आता है तो एक्सोथर्मिक है. एंड देन आफ्टर हमने इस पॉइंट को अप्लाई किया, क्लियर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बाई को बाई ग्राफ एंड देन इंथैल्पी चेंज का पॉइंट्स फाइंड किया. इंथैल्पी चेंज है क्या, किसी भी सिस्टम के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है स्टूडेंट उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बोलते हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वी कैन ऑब्टेन नाउ बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सो चेंज इन इंथैल्पी मतलब चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम we can obtain from change in internal energy, but at constant pressure it cannot be obtained. So internal enthalpy change of a system at constant pressure we can obtain by changing enthalpy. So next point humne yahan find out kiya enthalpy change and mole of ideal gas. To ideal gas ke liye equation ho gaya hamara, is point ko dekhe to. So student aaj ke lecture mein bas baat karte itna hi, जहाँ पर हमने जो पॉइंट्स पर डिस्कस किया मैं उसको शॉर्ट में फॉर्मूले सारे राइट कर देता हूँ एक टेबल में जो न्यूमेरिकल में यूटिलाइज होंगे. इन न्यूमेरिकल में हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक पढ़ा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर. मैं रिमाइंड करा दूँ सारे पॉइंट्स को, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, जहाँ पर हमने बताया कि डेल्टा एच की वैल्यू दो हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव. तो शॉर्ट पॉइंट से हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा.
तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। सेकेंड थिंग हमने जिस पर हमारा डिस्कशन चला बात करें तो वो है डेल्टा एच। डेल्टा एच हमारा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल चेंज इन एंथैल्पी हम ऑप्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय चेंजिंग वॉल्यूम। एंड देन आफ्टर हमने तीसरा जो डिराइव किया और रिलेशन फाइंड आउट किया उसके अबाउट जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे आते हैं इस पर, जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू वेल नाउ डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये तीन पॉइंट्स हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया जिन पर, तो आपको एक चीज़ और बता दें स्टूडेंट कि डेल्टा एन जी को केयर करना, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कैसे फाइंड करते हैं, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। लाइक सपोज दैट हमने एक रिएक्शन यहाँ पर ऐड किया कि एन टू गैस फेज में है और थ्री एच टू भी गैस फेज में है और दोनों के कॉम्बिनेशन से बना रहा है क्या टू एन एच थ्री और ये भी गैस फेज में। अगर मैं इसके लिए डेल्टा एन जी फाइंड करूँ, क्योंकि वहाँ पर हमने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, इक्वेशन नहीं दिया हमने क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया इस पर भी, तो आपको बता दूँ कि डेल्टा एन जी जो पॉइंट्स है हमारा, अगर इस पॉइंट को हम देखें तो हम क्या राइट करेंगे, राइट करेंगे कि एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट दो मोल है और रिएक्टेंट 314 तो माइनस टू। मीनिंग अगर यही टर्म्स, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पी सी एल फाइव है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट होता है एट हाई टेम्परेचर, इट डिकम्पोज प्रोड्यूस सी एल थ्री, ये भी सॉलिड में है और सी एल टू गैस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा एन जी अप्लाई करूँ तो देखेंगे प्रोडक्ट सॉलिड फेज में है, ये सॉलिड में है, ये गैस में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो गैस फेज में हमारे पास है नहीं अवेलेबल, तो इसका सच केस क्या होगा, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये दोनों सॉलिड फेज में एग्जिस्ट होते हैं एंड चेंज इन मोल ऑफ गैस ये सॉलिड फेज से रिलेटेड नहीं है, लिक्विड से रिलेटेड नहीं है, वो ऑनली रिलेटेड टू द गैस फेज। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मीन्स पार्ट फाइव में हम मिलेंगे जहाँ पर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन पर स्टडी करेंगे। थैंक यू।